हेलो फ्रेंड, हैप्पी दिवाली आप सभी को। तो गाइस, आज हम करेंगे ब्राइडल प्री ब्राइडल मेकअप। और आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट मेकअप ही मैंने किया और आई मेकअप ड्रेस के अकॉर्डिंग किया है, जो कि ड्रेस मुझे मैंने देखा भी नहीं था पहले, और बस उन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग ही मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले हमने यहाँ किया था CTM क्लीजिंग मॉइस्चराइज़र, उसके बाद हमने लगाया ब्यूटी सीरम, उसके पहले हमने लगाया था प्राइमर। और प्राइमर लगाने के बाद अच्छे से हमने स्किन पे अब्सॉर्ब कर दिया है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वीडियो गाइस, आपको मिलेगी परिवा वाले दिन शायद। मैं एडिट कर रही वीडियो को और आपको शायद ये कल मिलेगी। तो यहाँ मैंने काइलोन डर्मा का यूज़ किया है, आप सुप्रा भी ले सकते हैं, मगर मैंने यहाँ डर्मा यूज़ किया है। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने 300 कंसीलर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। थोड़ा सा कैमरे में थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था, हमने आपको बताया ना कि थोड़ा सा भी मैंने ना ही कैमरा लिया ना ही कोई सुविधा ली है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ग्रीन कंसीलर लगाया, इनके काफ़ी रेड स्किन पे थे। और आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर में पिक्चर लगा दूँगी। यहाँ लाइट की वजह से सारा फेस क्लियर लग रहा है, लेकिन डार्क सर्कल अपर लिप पे, डार्क सर्कल फोर हेड पर डार्क सर्कल थे, 10 थे, उसको हम छुपाने के लिए मैं इसको यूज़ कर रही। और आज हम करेंगे मेकअप HD मेकअप, और स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा सेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी गाइस, इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाती हूँ मेकअप, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इतने भी हमसे बड़े उनको चरण स्पर्श, छोटों को प्यार। यहाँ पर मैं 3D हाईलाइटर का यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने 3D हाईलाइटर यूज़ किया है। अब वीडियो का बिल्कुल भी स्क्रिप मत करिएगा, आपको मेकअप सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप जाने, शादी का मौसम आ गया है, और अगर आप पार्लर नहीं जा सकते तो आपको तो अपना मेकअप कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। और इसमें अच्छे से दिखेगा कि नहीं दिखेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इसका मेकअप ऑफलाइन काफ़ी अच्छा मेकअप दिख रहा था। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैंने हाइलाइटर लगा दिया है और फेस पे छोड़ देंगे, उसके बाद आगे प्रोसेस पे चलेंगे। यहाँ मैंने वाइट कंसीलर का यूज़ किया है यहाँ आँखों पे, जिससे कि हमारा आई शेडो जो भी हम अप्लाई करें उभर के आए। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर Mi 1 का कंसीलर, वाटरप्रूफ HD कंसीलर यूज़ किया है वाइट कलर का, जिसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, देख सकते हैं आप। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे पाउडर से सेट। और गाइस, इंस्टाग्राम मेरी आईडी है priya.rawat585, उसको आप अच्छे से कर लीजिए फॉलो, और मुझे ज़रूर आप बताइएगा और मैसेज करिएगा, तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आपसे प्रॉमिस करती इंस्टाग्राम पे ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी, आंसर ज़रूर दूँगी। यहाँ पे म्यूज़िक जेल लाइनर मैंने यूज़ किया है, अच्छे से हम आईब्रो को डिफाइन कर लेंगे, एक अच्छी सी लाइन बना लेंगे, देख सकते हैं। अब आपको वीडियो क्लियर दिख रही कि नहीं दिख रही ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर भी हमने इनका ड्रेस हैवी आपने देखा ही था, तो उसके अकॉर्डिंग, और मैंने जब ये आई थी तो इनका ड्रेस इन्होंने नहीं लाया था, और बस इन्होंने पिक्चर दिखाई थी उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने मेकअप कर दिया। देखा था उन्होंने कहा ब्लू कलर का है, थोड़ा हैवी है, तो बस उसी के अकॉर्डिंग हमने किया था। या ये अभी न्यू ब्राइडल है, मतलब कि न्यू दुल्हन है, इसीलिए मैंने इनका HD मेकअप किया है, वाटरप्रूफ HD लॉन्ग लास्टिंग। तो आप देख सकते हैं, हाँ, मैंने कंसीलर अच्छे से लगा लेंगे फिर से, कि जिससे हमारा आई मेकअप आई शेडो अच्छे से उभर के दिखे, और आईब्रो भी अच्छे से हमारी
एक गाइडलाइन बन जाए। और यहाँ लूज़ बॉर्डर मैंने यूज़ किया है, नॉर्मल ही लूज बॉर्डर यूज़ किया सेट करने के लिए गाइस। उसके बाद अच्छे से हम सेट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने आई शैडो पैलेट लेंगे, उसमें डार्क कलर हमने लिया है फ्रेम का, और यहाँ डार्क कलर लेंगे। उसके बाद एक गाइडलाइन बनाएंगे, देख सकते हैं, और आपको अगर सीखने को मिलेगा 100%। बस आप अपने फ्रेंड रिलेटिव को वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आपके फ्रेंड में आपके रिलेटिव आपकी वीडियो को देख सके, कुछ सीख सके और अच्छा उनको रिस्पांस मिल सके, अपनी अर्निंग कर सके, फैमिली रिलेटिव की हेल्प कर सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी रिलेटिव फ्रेंड थी, तो मैंने इनका मेकअप किया, मेरे तब इनको इनका बर्थडे पे था, तो आप इनको भी विश कर सकते हैं, ज़रूर उनको विश करिएगा, इनका बर्थडे है। तो बर्थडे पे मैंने HD मेकअप इनको गिफ्ट में मेकअप ही किया, ऐसा कोई मैंने प्राइज नहीं लिया है, मेरी तरफ से ये गिफ्ट था मेकअप। तो अगर आप लोग का भी बर्थडे है, आप गिफ्ट लेना चाहते हैं, मेकअप कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ वेलकम है। और इंस्टाग्राम पे मेरा नंबर है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेकअप सीखना चाहते हैं या मेकअप कराना चाहते हैं, तो मुझसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। या मैंने डार्क कलर लिया, आप देख सकते हैं, अब वीडियो गाइस मैंने फास्ट कर दिया जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर वीडियो को गाइस लगातार मेहनत करती जाती हूँ, मगर आप लोग के रिस्पांस के बिना आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। फिर से आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुन रहे होंगे पड़ाके की आवाज़ आ रही है, अब मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो के कॉर्नर पे मैंने हल्का सा मैरून और ब्लैक को मिक्स करके, लाइट मैरून, डार्क मैरून और ब्लैक, हल्का तीनों को मिक्स करके अच्छे से हमने साइड में किया है। और यहाँ पे हमने लिया है ग्लिटर सिल्वर, आप कह सकते हैं पिंक और सिल्वर जो मिला हुआ है, तो यहाँ पे हल्का सा मैंने एक लाइन पे बनाकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं फिंगर की हेल्प से, आप चाहते फिंगर से लगा सकते हैं, आप चाहते हो ब्रश का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने फिंगर से यूज़ किया क्योंकि एक डस्क है, तो ये अगर ब्रश पे लेते हैं ना तो गिरता भी है, फेस पे पूरा आ जाता है, सब प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने फिंगर से यूज़ किया है जिससे वो अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए अच्छे से इसमें चिपक जाए। इसके बाद उन्होंने कहा ब्लू, तो मैंने ब्लू भी हल्का सा वर्क करता, उसमें ब्लू भी हमने फिंगर से ही यूज़ किया क्योंकि थोड़ा शाइनिंग है इसमें, ग्लिटर बेस में है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम आईलाइनर। यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद गाइस हम अच्छे से करेंगे यहाँ पे आईलाइनर। तो चलते हैं आईलाइनर लगाते हैं, देखिए कैसे मैंने लगाया है। We'll be right back.
तो गाइस यहाँ पे मैंने मी वन का वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ किया है, और आई लैसेस लगाने से पहले आप मस्कारा ज़रूर लगाएंगे, हाँ नहीं तो अलग अलग हो जाता है। और आई लैसेस मैंने इनसे पूछा था, मुझे लगा कि आई लैसेस नहीं लगाए, फिर उन्होंने बोला नहीं आई लैसेस लगाएंगे, तो फिर हमने आई लैसेस निकाला है और आपको दिखा रहा। इसके लिए हम ग्लू लेंगे, आप ग्लू मार्केट में इजी वे मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो आप ले सकते हैं, कोई भी कॉस्मेटिक मार्केट से मिल जाएगी। यहाँ पे 303 मैंने आपको पीछे लगाया जहाँ डार्क सर्कल था, यहाँ पर D5 मैंने लिया है कंसीलर डर्मा का, और आप चाहे तो सुप्रा का भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से मैंने फेस पे अप्लाई कर दिया है, क्योंकि जो 3D हाइलाइटर मैंने लगाया था वो स्किन पर अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया। अब्जॉर्ब होने के बाद हमने यहाँ पर 303 लगाया, उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर कंसीलर लगाया। आपने देखा पहले मैंने CDM किया था, CDM करने के बाद फिर ब्यूटी सीरम लगाया, फिर प्राइमर लगाया, फिर बेस एक बेस बनाया जहाँ पे रेडनेस थी और डार्क सर्कल थे उसको हमने हाइड किया। उसके बाद 3D हाइलाइटर का यूज़ किया। और गाइस अगर मुझसे कोई गलती तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मैं भी आप ही लोग को देख के सीख रही हूँ, तो प्लीज़ अगर कोई गलती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और अभी थोड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है गाइस, कैसे सेट करते हैं कैमरा, कैसे क्या करते हैं, अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे ये भी प्रॉब्लम दूर होगी। तो आपने प्रायोरिटी अपने जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उस पर जरूर वीडियो को मेरी शेयर कर सकते हैं प्लीज़। और हाँ, शेयर ज़रूर करें, कभी भी आप आते हैं मेरी सिटी में, कभी भी आपको ज़रूरत लगे तो मैं आपकी फ्री में मेकअप करूँगी, जो भी मुझसे बनेगा मैं फ्री में करूँगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली मेम्बर, और फैमिली से कभी पैसे नहीं लिए जाते। और गाइस आज हम गए थे, दिवाली का दिन था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। जो दिव्यांग बच्चे, असहाय बच्चे हैं उनको आज दिवाली के अवसर पर भोजन ग्रहण कराया गया। तो अगर आप लोग फ्रेंड रिलेटिव को भोजन कराते अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा असहाय दिव्यांग उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सोचिए। ये कुछ लोग हैं जो बिना खाए ही जीवन ख़त्म कर लेते हैं, है ना, भूख से भी कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। तो अगर हम लोग जाएंगे, सब लोग मिलके जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सब लोग हेल्प करें तो कोई भूखा नहीं मरेगा और अच्छा जीवन यापन कर सकता है। तो पिक्चर में आप लोगों को शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं, और डर्मा के कंसीलर पैलेट में ही ये कंटूर क्रीम थी, रहती है, डार्क रहता है, उसी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है क्रीम बेस पे, देख सकते हैं, और अच्छे से हमने यहाँ पर अप्लाई करा है। और यहाँ चिन के पास, गाल के पास, फोरहेड के पास अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप करेंगे ब्रश से। इसका प्राइस गाइस, इस मेकअप का प्राइस आप में पार्लर में 2000-3000 देते हैं मेकअप का, और ये HD मेकअप वाटरप्रूफ, आप देख सकते हैं नोज कितनी की पतली लग रही है, तो कंट्रोल करने से थोड़ा सा कम लगता है नोज, अगर मोटी तो पतली दिखा सकते हैं, फेस अगर मोटा है तो पतला दिखा सकते हैं। और सेल्फ मेकअप कैसे करेंगे आप, वो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख सकते हैं, और कैसे आप मेकअप करें उसके बारे में भी पूरा वीडियो में आपको बताया गया है। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। मैं थोड़ा तबियत भी नहीं ठीक है गाइस, इसलिए भी थोड़ा सा मेरी आवाज़ स्लो आ रही है, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करिए।
सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आई लेसेस लगा दिया है, आप चाहे तो अपने फेस के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हाइलाइटर मैंने लगा ली नोज़ पे, फोरहेड पे, चिन पे। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने मेकअप देख ही लिया है, बिफ़ोर आफ्टर काफ़ी चेंज है, बस इन्होंने आके मूंद लिया था और मैं बात करते करते फ़ोटो खींची, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि फ़ोटो अच्छी है कैसे क्या है ये, और बस मैंने मेकअप कर दिया था। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है ना गाइस, काफ़ी अच्छी थी, इन्हें मेरा काफ़ी अच्छा लगा था और काफ़ी खुश हो गई थी। मैंने इनका रिव्यू नहीं देखा था, नहीं तो आपको ज़रूर पता था, काफ़ी खुश थी मेकअप, बहुत अच्छा मेकअप ग्लो कर रहा था। और मेरे पास ब्लो लाइनर नहीं था गाइस, पता नहीं कहाँ रखा था, मिल ही नहीं रहा था, तो यहाँ पे मैंने ब्लो आईशैडो का यूज़ किया है। मैंने कहा ड्रेस का है तो ब्लू आई लाइनर लगा दो, और मेरे पास नहीं था। भूख लग गई थी, समोसा मंगा रही थी, मगर समोसा मिला था आज के दिन सारी दुकान में पर थी गाइस, सब मिठाइयाँ रखी थी ना कि कोई समोसा। यहाँ पे हम लगाएंगे लिप कलर, एक क्लाइंट आई थी उनका मैंने थ्रेडिंग बनाया था, वीडियो को रोक के उसके बाद हम लोग बात भी कर रहे थे। और ये भूल गई थी कि वीडियो को रोक देती, इसीलिए वीडियो और बड़ा हो गया। और यहाँ देख सकते हैं मैंने लगाया है डार्क, जब डार्क आई शैडो मैंने लगाया, यहाँ पे लाइट लिप कलर मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट, और आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ गैस, तो फिर से आप सभी को दिवाली ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। मेरे पास गैस प्लेट अभी मैंने नहीं ली, इसलिए मैं हाथ पे लिपस्टिक लगाई निकाल ली हूँ, उसके बाद यूज लगा रही हूँ ब्रश से। मेकअप के बारे में पूछ रही थी तो वही मैं बता रही थी, देखिए अच्छा लग रहा है ना गई, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप लोग का दिवाली कैसा बनना जरूर बताइएगा, आपने दिवाली कैसे बनाई जरूर बताइएगा। अभी मैंने ऐसा लगाया था, फिर उन्होंने बाद में बोला कि थोड़ा सा लिप्स थोड़ा मोटा कर दीजिए, तो मैंने लिप कलर लिपस्टिक नीचे की तरफ से लगाई, तब जाके थोड़ा सा बड़ा हुआ। अभी यूट्यूब के बारे में गाइस मुझे बहुत कम नॉलेज है, ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, इससे कि हम लोग को अच्छा रिस्पांस मिले तो मैं और वीडियो बनाऊँ ना। लोग कह रही हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमने कहा लिप दिखाओ उस समय अच्छा लग रहा है ना, कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था गाइस। देख रहे हैं मैं सामने आके खड़ी हो गई, बोल गई कि हाँ कैमरा नहीं दिख रहा होगा, ऐसे तो मैं पागल पत करती हूँ। दिव्यांग बच्चों का भोजन था तो वही हम लोग गए थे, दिव्यांग बच्चे असहाय बच्चे, उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी, जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।